अस्सलामुअलैकुम, मैं जुनैरा बोल रही हूँ मोटरवे से। एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है सियालकोट, जी जो मोटरवे है उस पर। मोटरवे पे आपकी गाड़ी जी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, टायर ब्लास्ट फिर गया। अच्छा मैडम, आपकी गाड़ी का नंबर बताइएगा मुझे। आज मेरी गाड़ी का नंबर है LEF। और मॉडल नंबर क्या है? 14 है, 2014। मैडम मोटरवे पे किस जगह पे गाड़ी खड़ी है आपकी? ये जो काला कटाई वाला बोर्ड लगा हुआ है ना यहाँ पर, काला कटाई वाला जो बोर्ड है जी, 500 मीटर। चलें ठीक है मैडम, आ रहे हैं अभी आपकी तरफ रब्ता करते हैं। थैंक यू। नाजिर, अभी कॉल की गई है 15 को मदद के लिए। हमारी कोलीग ने कॉल की है और ये चेक करने के लिए कि 15 पे कॉल की है कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया जाता है। वक्त हुआ है 3:36 जब हमने ये कॉल की है, और हम ये देखते हैं कि कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया जाता है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया, इस वक्त पूरे मुल्क में ये बात की जा रही है कि रिस्पॉन्स कितनी देर में होता है। जो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, वो भी खातून के साथ वाक़ा पेश आया, इसलिए हमने कहा कि खातून को इस्तेमाल किया जाए और देखा जाए कि जब खातून कॉल करती है और उन्होंने बताया कि वो अकेली हैं मोटरवे पे, उनकी गाड़ी का टायर ब्रास्ट हो चुका है और उनको मदद की ज़रूरत है। गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया है, लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, बता दिया गया है कि किस लोकेशन पर मौजूद है, और उन्होंने आगे से ये रिस्पॉन्ड किया है कि हम आपकी मदद को पहुँचते हैं। अब हम वक्त नोट करेंगे, क्योंकि इस वक्त वक्त हुआ है 3:37 हो गए, 36 मिनट पर हमने कॉल की थी और अब देखते हैं कि कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया जाता है। मैडम अभी आपने 15 पे कॉल की थी, हमने हेल्प के लिए लोग भी जवा दिए, आप 130 और 1124 पे भी कॉल करते हैं, ठीक है? 130 और 1122? नहीं, 1124 और 130। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, हमने भी भिजवा दिया यहाँ इन दोनों। मैडम अभी मैसेज दिए तो अभी रब्ता कर लेते हैं आपसे, ठीक है? क्योंकि मैं अकेली हूँ एक्चुअली और मुझे पहुँचना भी था। बिल्कुल 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 मैडम, मैं इसीलिए आपको मैसेज फौरी तौर पर पास कर दिया और अभी आपको इसीलिए कहा है कि इन दोनों नंबर से फौरी तौर पर रब्ता कर लें आप, ठीक है? हमारी तरफ से भी आ रहे हैं जो जल्दी हो सके पहुँच जाए आपकी तरफ। ओके, थैंक यू। 15 पे कॉल की गई थी, वहाँ से कॉल बैक आई है और ये बताया गया है कि हमारी तरफ से मदद आप तक पहुँच जाएगी, लेकिन आप 130 पर भी कॉल करें जो मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि 1124 पर भी कॉल कर दी जाए ताकि वो भी आपकी मदद के लिए पहुँच जाए। जिस तरह हमने आगाज़ में बताया कि उस दिन भी यही मसला था कि एक कॉल की गई तो बताया गया दूसरे नंबर पर कॉल की जाए, दूसरे नंबर पर बताया गया तो कहा गया तीसरे नंबर पर कॉल की जाए। अब दोबारा कॉल करने की कोशिश करेंगे और 130 पर भी कॉल करेंगे और देखते हैं कि 130 जो कि मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन है, वो क्या जवाब देते हैं हमें। शुक्रिया, गुड के लिए एक मिनट। थैंक यू फॉर कॉलिंग मोटरवे पुलिस, फॉर सर्विसेज इन इंग्लिश प्रेस 2। मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन कॉल करने का शुक्रिया। हादसे की तफ्तीश के इंदराज के लिए 1 दबाएं, मदद के लिए 2 दबाएं, मालूमात के लिए 3 दबाएं। यू आर करंटली कॉलर नंबर 3 waiting to speak with a representative. Thank you for your patience. मोटरवे पुलिस की हिदायत पर अमल करें, अपनी हिफाजत के लिए सीट। यू आर करंटली कॉलर नंबर 3 waiting to speak with a representative. Thank you for your patience. Waiting for call. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन हरगिज इस्तेमाल न करें, ये हादसे का बायस बन सकता है, तेज रफ्तारी जुर्म भी है और खतरनाक भी, ये मौलिक हादसे का बायस। यू आर करंटली कॉलर नंबर 1 waiting to speak with a representative. Thank you for your patience. बन सकती है, मुकर्रा हद रफ्तार क्रॉस न करें ताकि आप और दूसरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाएं। एक्चुअली मेरी अभी थोड़ी देर पहले 15 पे कॉल की थी और मैंने उन्हें बताया कि मोटरवे पे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है सियालकोट मोटरवे पर। जी जी। और मेरी लोकेशन जो है करंट ये जो काला खताई की तरफ जा रही है रोड, वो है 500 मीटर्स पहले, जो बोर्ड लगा है बिल्कुल उसके पास। जी बिल्कुल 15 पे कॉल की है, लेकिन उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मैं आपको कॉल कर लूँ। उन्होंने कहा कि हमारी टीम तो जा रही है लेकिन आप 130 पे भी कॉल कर लें। अच्छा 130 पे मैडम, मैंने वहाँ पे तो अभी 15 पे 11:24 देख रहे ना, 130 तो हमारे पेट्रोल तो वहाँ पे है नहीं है सर, लेकिन अगर आपने 15 पे नोट करवा दिया ना सर, लेकिन मोटरवे का नंबर है ये, मोटरवे पर फंसी हुई है तो यकीनन आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल, वो बता देता हूँ। मेरी अपना नाम बताएं। मेरा नाम जुनैरा है।
जुनेरा आपने 15 बता दिया ना, कौन सी लोकेशन बताएं? सर मैंने 15 पे इन्फॉर्म कर दिया, मुझे उन्होंने ही कहा है कि मैं आपसे बात कर लूं। अच्छा कौन सी जगह बताएं? ये काला खताई की जो लोकेशन है जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 500 मीटर्स अवे, वहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है। काला खताई 5 किलोमीटर 500 मीटर आप सियालकोट की तरफ जा रही, लाहौर की तरफ आ रहे हैं? सियालकोट की तरफ जा रही हूँ। क्या मतलब गाड़ी पे वहाँ पे? सर मेरी गाड़ी का टायर फट गया। टायर फट गया, गाड़ी का नंबर बताएं? गाड़ी का नंबर है LEF। LEF कौन सी गाड़ी है? ये होंडा सिविक है वाइट। ठीक है इसको मैं चेक बता देता हूं। सर कितनी देर में हेल्प हो जाएगी अगर आप बता दें? मैडम हमारे एरिया तो नहीं, मैं उस एरिया में जिसमें पेट्रोलिंग हाईवे पेट्रोलिंग पंजाब पुलिस के, ठीक है मतलब हाईवे पेट्रोलिंग के, मैं इनको बता देता हूँ किस टाइम आएगा तो उनको तो वो बता सकते हैं। चलिए सर मैं वेट कर रही हूँ आपकी कॉल बैक का। ठीक है मैं इनको बता देता हूँ। ठीक है थैंक यू। ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी मैडम, मैं थाना भगवानपुरा से बोल रहा हूँ। आपकी किधर गाड़ी खराब हुई है? मेरी गाड़ी इस टाइम खड़ी है जो सियालकोट साइड पे जा रही है मोटरवे, उस साइड पर। नहीं इलाका क्या है, उधर कोई बोर्ड साइन बोर्ड वगैरह लगा है कोई? काला खताई का बोर्ड लगा हुआ है सर मेरे पास। काला खताई का? काला खताई वाला जो रोड जा रहा है 500 मीटर्स अवे जो बोर्ड लगा हुआ है, मैं उस बोर्ड के बिल्कुल करीब खड़ी हूँ। मैडम आप मोटरवे वालों को करें याद है ना कि उधर? सर मैं मोटरवे वालों को कॉल कर चुकी हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि उनके पास नहीं आ रहा ये एरिया, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मोटरवे पे कॉल करूं। मैडम अभी हमारे थाने से कम से कम 15 किलोमीटर आगे है। ठीक है तो दूसरे थाने से दूर में कैसे जा सकता हूँ? आप ऐसा करें कि 15 पे दोबारा कॉल करें, उन्हें बताएं कि ये जगह है। सर मैं पिछले 15 मिनट से यही कर रही हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि आपको कॉल कर लो, आप लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं उन्हें कॉल कर लूँ, तो आप नहीं आएंगे मुझे हेल्प करने? चलो मैं बताता हूँ आपको। मैं वेट कर रही हूँ सर, नहीं आएंगे। नाज़रीन ये आपने गुफ्तगू सुनी है, हमारी कोलीग ने कॉल की 15 पर, उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप मोटरवे हेल्पलाइन 130 पे कॉल करें। 130 पर भी कॉल की गई और उन्होंने ये कहा कि हमारी बीट नहीं है, हमारी लोकेशन नहीं है, आपने 15 पर कॉल कर दी है, ये आपने बहुत अच्छा किया है और उन्हीं से रब्ता करें। 130 पर कॉल मिलने तक यानी कनेक्ट होने तक ऑपरेटर से 1.5 मिनट लगा और उसके बाद कॉल कनेक्ट हुई, और उसके बाद 1 से 1.5 मिनट ये कहा गया बार बार कि आप वेट करें, आपकी कॉल कनेक्ट कर दी गई है। उसके बाद थाना भगवानपुरा से कॉल आई हमारी कोलीग को और उन्हें ये कहा गया है कि हमारा थाना आपसे 15 किलोमीटर दूर है, हमारी हदूद नहीं बनती, आप कॉल करें 130 पे, यानी दोबारा मोटरवे पुलिस को कॉल करके बताएं कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है। यही आज हम बात कर रहे हैं, यही तहकीक कर रहे हैं। इस वक्त हमें ये सारा सिलसिला करते हुए 10-11 मिनट हो चुके हैं, 11 मिनट का ये दौरानिया गुजर चुका है, जब हमने पहली कॉल की 15 पे और उसके बाद 130 पे कॉल की, फिर हमें 15 से दोबारा 2 मरतबा कॉल आई है, फिर थाने से कॉल आई है, 11 मिनट गुजर चुके हैं और एक खातून मोटरवे पर मौजूद है, उसकी गाड़ी ख़राब है, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। और एक मरतबा फिर आपको ये बता दूँ कि हमने आज प्रोग्राम से पहले सेफ सिटी अथॉरिटीज़ को बताया जहाँ पर 15 का कंट्रोल सेंटर है कि हम लाहौर की हदूद से आपको कॉल कर सकते हैं, हमने डॉल्फिन फोर्स के आला हुकाम को ये बताया कि हम आपको कॉल कर सकते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि मॉक कॉल करके ये पता लग सके कि आपका रिस्पांस टाइम क्या है। अलबत्ता 11 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं कि 3:47 टाइम हो चुका है, 3:36 पे यानी 3:36 पे हमने कॉल की थी और 3:47 हो चुके हैं और अभी तक हमें यही बताया जा रहा है कि आप दूसरे नंबर पर कॉल करें। यही आज का हमारा टॉपिक है और अब इंतज़ार करते हैं कितनी देर में हमें रिस्पॉन्स किया जाएगा। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैडम जुनैरा फरमा रही हैं? जी जुनैरा बात कर रही हूँ। अच्छा जुनैरा बात, अच्छा जी ये मैं DSP एहसान बोल रहा हूँ, ये सियालकोट मोटरवे से। जी जी ये आपकी कॉल की हेल्प के लिए इस्लामाबाद आपने 130 पे कॉल किया है? जी 130 पे कॉल किया मैंने। जी मैम क्या प्रॉब्लम है और आप कहाँ पे प्लीज खड़े हुए मैम ताकि आपको वो हेल्प के लिए बंदे भेजूँ? सर मैं इस टाइम जो काला खताई का जो बोर्ड लगा हुआ है 500 मीटर्स अवे का, वहाँ पर बिल्कुल मेरी गाड़ी थोड़ी सी आगे खड़ी है और मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अच्छा जी, फ्रॉम लाहौर टू सियालकोट है? जी लाहौर टू सियालकोट है।
अच्छा जी, और कालखताई का बोर्ड लगा हुआ कितने किलोमीटर लिखा हुआ मैम? 500 मीटर्स। 500 मीटर जी। ओके जी, ये अपना मैं अभी मुतलका जो ऑफिसर है यहाँ पे उसका भी अभी मैं कॉल करता हूँ, आपको हेल्प पहुँचती है। सर पिछले 15 मिनट से यही सुन रही हूँ। और मैं DSP बोल रहा हूँ, जो हम इनके मुतलका है, ठीक है, जो हमारे पास है, वो जो है वो मोटरवे वाले जो है वो जाहिर है उनका तो यहाँ पे फोर्स अवेलेबल नहीं है ना, और बल्कि हमारी हेल्पलाइन जो है वो 1124 है, प्लीज okay. ये भी आप नोट कर लें। थैंक यू। 1124 पे आप कॉल अगर करेंगे जब भी आइंदा पड़े जरूरत तो 1124 पे करें, ठीक है सर, क्योंकि वो 130 है जो वो ऑब्सोलीट हो गई है, उसका कोई काम भी नहीं है। तो आप मैम, आपके साथ कोई मेल मेंबर है या? नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं है सर, मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ। अच्छा मैम, ठीक है मैम, अभी हम भिजवाते हैं, मैं वेट कर अभी आपसे रब्ता करता हूँ। नाज़िर, एक और कॉल मौसूल हुई और उस पर यह कहा गया है कि आपको 1124 पे कॉल करनी चाहिए थी। अलबत्ता एक DSP साहब हैं जिन्होंने कॉल किया और उन्होंने लोकेशन पूछी और वो कह रहे हैं कि आपकी मदद के लिए हम टीम रवाना कर रहे हैं। यानी पहले 130 का पता था, फिर 15 का पता था, अब जो इमरजेंसी कॉल सर्विस बताया गया कि 1124 पे कॉल करनी चाहिए थी। अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि अब तक टीम पहुँच रही है, अब हम देखते हैं कि टीम कितनी देर तक पहुँचती है। इस पूरे दौरानिए को हमें 14 मिनट गुजर चुके हैं, 3:50 हो चुके हैं, बार बार आपको टाइम बता रहे हैं, बार बार ये दिखा रहे हैं कि आपको अंदाजा हो कि अगर किसी को इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो कितना वक्त लगता है। वाज़े रहे कि हम उस मोटरवे पर मौजूद हैं जहां पे चंद रोज कबल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने पूरी कौम को शर्मिंदा कर दिया। एक 3 बच्चों की मां के साथ ज्यादती की गई और ये वो इलाका है, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं इससे सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर पीछे वो स्पॉट था जहां पे हमने पिछले प्रोग्राम में आपको दिखाया कि वो लोकेशन क्या है। 6 किलोमीटर पीछे वो लोकेशन है जहां पे वो हादसा पेश आया था, और जिस जगह पर हम खड़े हैं यहां से एग्जैक्टली 9 किलोमीटर पीछे टोल प्लाजा है जो आप क्रॉस करके इस मोटरवे पर चढ़ते हैं। अभी ये समझ नहीं आ रही कि इतनी इमरजेंसी कॉल जब करनी पड़ती हैं आपको और आप पैनिक में होते हैं, आपको ये समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, और जब आपने चंद रोज पहले ये खबर सुनी हो कि एक औरत के साथ ऐसी दरिंदगी की गई है जिसने सबको हिला के रख दिया है, पूरे मुआशरे को शर्मिंदा कर दिया है, पूरे मुआशरे को ये बताया है कि हमें तब्दील होने की जरूरत है। वालेकुम सलाम, मैं 130 से बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। हेल्प आई है आपके लिए? जी अभी तक तो नहीं आई। अभी तक नहीं आई, ठीक है, चेक करवाते हैं, हम आती है गाड़ी। आप सर कितनी देर में और तब पता चल जाएगा कि हेल्प आ रही है नहीं? बस वो कॉल कर रहे हैं, हम उनको पहले मैसेज पास कर दिया, अभी दोबारा उनको कॉल करके भिजवाते हैं आपके पास। चलें, थैंक यू सो मच, मैं वेट कर रहा हूँ। जी जी, 1124 पे खुद कॉल करें ना, 1124 पे कॉल करें। सर मैंने 1124 पे भी कॉल की है, उनसे भी बात हो गई है, और उसके बावजूद अभी तक कोई मुझे कंफर्म नहीं कर रहा है कि कौन मुझे हेल्प करने आ रहा है। ठीक है, यानी 1124 वालों ने भी कहा। सर मैंने 15 पे भी कॉल कर दी है, 1124 पे भी बात हो गई है, और उसके बाद आपसे भी मेरी बात हो गई है, और कॉल आ रही है, लेकिन हेल्प के लिए कोई भी अभी तक विलिंग नहीं है। बस नहीं, आ जाएंगे थोड़ी देर, ये अभी आपकी 4-5 मिनट हुए कॉल आई थी इससे पहले, ठीक है। नहीं सर, 12 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। 12 मिनट हो चुके, चले ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ओके ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैडम जुनैरा बात कर रही? जी जुनैरा बात कर रही हूँ। जी मैडम, मैं मोटरवे कंट्रोल से बात कर रहा हूँ, आप अभी किस जगह पे आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन है? सर मेरी गाड़ी जो है काला खताई की तरफ जो रोड जा रहा है 500 मीटर्स अवे जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बिल्कुल उसके पास है। बिल्कुल मैडम, आप काइंडली 1124 पे ना कॉल करेंगे, अभी जो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग है। सर मैं 5-6 कॉल्स कर चुकी हूँ, आपको भी की है, उसके बाद 130 पे भी किया है, 1124 पे भी किया है, 15 पे भी कॉल किया है, और अभी तक कोई आई थिंक ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन मेरी हेल्प करेगा। जी राइट मैडम, मैं खुद उनके कंट्रोल को नोट करवा के ना उन्हें प्रबंध करता हूँ कि फिर फोर आपको अटेंड करें। अभी तक सर 2-3 लोग मुझे यही यकीन करा रहे हैं कि वो लोग ये नोट करा रहे हैं, लेकिन अभी तक नोट हुआ नहीं आई गेस। राइट मैडम, मैं अभी कंप्लेंट लेके आपको फिर वापस। सर मैं वेट कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं हाईवे पेट्रोलिंग कंट्रोल से बात कर रहा हूँ। हमें इतला मिली कि आपकी गाड़ी शायद कोई मसला है, मैकेनिकल इशू है, कोई टायर पंचर है। जी टायर पंचर है मेरा, और गाड़ी बिल्कुल यहाँ पर खड़ी है जहाँ काला खताई की तरफ रोड जा रहा है, और 500 मीटर्स अवे जो बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, आप इस M11 पे है ना, सियालकोट मोटरवे पे? जी।
ठीक है, तो गाड़ी कौन सी है आपके पास? मेरी है होंडा सिविक। अच्छा ठीक है, मैं आपका मैसेज इंशाल्लाह कन्वे करता हूँ और जल्दी पहुँच के आपके बात करते हैं, ठीक है सर। एक्चुअली मैं तीन चार फोन कर चुकी हूँ और काफी सारी मेरी बात हो गई है और सब यही कह रहे हैं कि कन्वे कर रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही है। इशू ये है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी जी प्लीज। जो हेल्प लाइन बनाई गई ना वो 1124 है, जिस नंबर से आपको कॉल आ रही है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। जी बिल्कुल आ रहा है। आपने मतलब मे बी शायद कोई और नंबर डायल कर दे, हमें इनडायरेक्ट वहाँ से मैसेज मिल गया। अभी जो मुतलका अफसर है इंशाल्लाह उनको कन्वे कर रहे हैं, तो आपके पास जल्दी कोई ऑलरेडी मतलब 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह पहुंच के मत करते हैं, ठीक है? क्योंकि 25 मिनट ऑलरेडी हो गया मुझे यहाँ खड़े हुए। देखें ना, मतलब अभी देखें कि आपकी कॉल अभी कनेक्ट हुई है सही जगह। नहीं, इससे पहले भी मुझे 1124 से आया है, DIG का DSP का भी फोन आया है, उन्होंने मुझे यही कहा है कि वो 1124 पे कंप्लेन होने के बाद मुझे कॉल कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी पहुंच के मत करते हैं, मैं वेट कर रहा हूं। नाज़रीन 22 मिनट हो चुके हैं और अभी तक हेल्प के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। कॉल्स पे कॉल्स आई जा रही हैं, बार बार कॉल्स पे कॉल आ जाए। एक और कॉल आई, हम देखते हैं इसको टेंड करते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या। हेलो, वालेकुम सलाम जी, जुनैरा बात कर रही हूँ जी। मैडम आपकी कॉल आई थी WhatsApp पे हमारे पास। आप किस जगह पे हैं, क्या लोकेशन है आपकी? सर मैं पिछले 5-6 कॉल्स पे अपनी लोकेशन बता चुकी हूँ, आप काइंडली मुझे ये बता दें कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जी मैं चौकील बारवाला से बात कर रहा हूँ, आपके मतलब मुझे मैसेज मिला कि मलके से आप कॉल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं हेल्प के लिए कॉल कर रही हूँ और मेरी करंट लोकेशन जो है ये जो काला खताई की तरफ रोड जा रही है, जहाँ पे बोर्ड लगा है 500 मीटर्स का, वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है इस टाइम। एग्जैक्ट लोकेशन जी जी, मैं बाहर हूँ आपके पास। चलने सर मैं वेट कर रही हूँ। अनदर वन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, जुनैरा बीबी ने जी, जुनैरा बात कर रही हूँ। जी मुनीर बोल रहा हूँ, ऐसा ही ये ईस्टर्न टूल प्लाजे के पास खड़ा हूँ। जी जी, आपकी आपकी क्या पोजीशन क्या है? मेरी लोकेशन ये जो काला खताई की तरफ रोड जा रही है, जहाँ पे बोर्ड लगा है 500 मीटर्स का, जी जी बिल्कुल वही मेरी गाड़ी खड़ी है, वाइट कलर की होंडा सिविक। जी ठीक हो गया, मैं पहुँच रहा हूँ। चलो मैं वेट कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। Another one. Hello. Assalamu alaikum ji. Waalaikum salam. Ji, main Maza baat kar raha hu, ye Chowki Lapan wala se. Ji. Ji, aapne 15 pe call ki thi ji, ma'am hukm kare please. 15 pe maine isliye call ki thi, meri gaadi kharab ho gayi hai motorway pe, jo Sialkot ja rahi hai. Ji ji. To sir mujhe aapki exact position kya hai is waqt? एग्जैक्ट पोजीशन मेरी ये है कि काला खताई का जो बोर्ड लगा हुआ है 500 मीटर्स अवे, मेरी गाड़ी वहाँ पर पंचर हो गई है। नहीं, आप मोटरवे के ऊपर हैं? जी मैं मोटरवे के ऊपर हूँ। जाना किस साइड पे? सियालकोट साइड पे जी, सियालकोट जा रही हूँ। जी मैम, मैं 10 मिनट में आपके पास पहुँच। चलें सर मैं वेट कर रही हूँ। जी हाँ, बार बार कॉल पे कॉल आई जा रही है और इस वक्त हो चुका है 4:00, 3:36 पे हमने कॉल की थी, यानी 24 मिनट हो चुके हैं और कोई मदद के लिए नहीं पहुंच रहा। बार बार कॉल आई जा रही है, कभी 15 से कॉल आ रही है, कभी 1124 से कॉल आ रही है, कभी मोटरवे पुलिस से कॉल आ रही है। जुनैरा से ही बात कर लें, जुनैरा आपको इतनी कॉल आ चुकी हैं, पैनिक में आप हैं, तो ये तो अभी हम मॉक ट्रायल कर रहे हैं, खुदा ना खासा, क्योंकि आप खातून हैं इसलिए आपको हमने बुलाया कि आप हमारी कोलीग हैं, हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। तो ये हकीकत में अगर ऐसा हो तो क्या बीत रही होगी आप पे? ऑब्वियसली अगर देखें कि अभी तो दोपहर का टाइम है, तो चलो थोड़ा सा इनिशियली तो मैं थोड़ा रिलैक्स रहूँगी, लेकिन रात के औकात में अगर ये सिचुएशन हो, एक तो आप पैनिक हो, एक आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो, तीसरा आपको कोई हेल्प करने नहीं आ रहा और बार बार कंटिन्यूस कॉल आ रही है, हो सकता है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ भी इन टच रहना पड़े, क्योंकि आजकल जो सिक्योरिटी चल रही है, और डेफिनेटली मुझे अपनी फैमिली के साथ भी इन टच रहना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और ये मेरी लोकेशन, और जो सोसाइटी हमें सिखा रही है आजकल कि आपको फैमिली के साथ ओके रहना है, और आई थिंक ये बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी कि अगर मैं इस तरह से किसी जगह पे स्टक हो जाऊँ और मेरी हेल्प करने कोई नहीं आ रहा। कंटिन्यूस पे कंटिन्यूस मुझे अभी भी एक और कॉल आ चुकी है, अगर आप कहें तो मैं रिसीव कर लूँ। जी आप करें। हेलो, हेलो,
मेरे ख्याल एक हमें पहली कोई हेल्प मौजूद आई है यहाँ पे पहुंची, उन्हीं से चेक करते हैं कि वो कौन है। आइए जी, मेरे ख्याल जुनैर आप कोई कॉल रिसीव करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? तबस्सम हुसैन। तबस्सम भाई किधर से ताल्लुक है? सर मेरा ये मोटरवेज है, ये जो है लाहौर सियालकोट मोटरवे पे। लाहौर सियालकोट मोटरवे, आपका मोटरवे डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? हाईवे पेट्रोल से है, पुलिस से है, एसपीयू से है? हम पंजाब पुलिस हैं, इस वक्त हम मोटरवे पे ड्यूटी प्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ से, किस लोकेशन से है? हमारी जो है ये अपना काला शिकाग। जी मुझे हेल्प पहुँच चुकी है, मैंने कॉल किया आपको, मेरी बीट नंबर सॉरी फिर आ रही है। कितना रिस्पॉन्स टाइम आपको बताया? सर हमारा रिस्पॉन्स टाइम जल्द अज जल्द है। कितना? हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट में पहुंच जाते हैं। सर 30 मिनट हो गए, 30 मिनट्स। ये एक हमारी बहन ने कॉल की मदद के लिए, 30 मिनट हो गए, कोई मदद के लिए नहीं आया। सर मुझे तो जस्ट अ मिनट कॉल आई है और मैं फ़ौरन पहुंचा। सर ये अभी चंद रोज़ पहले यहाँ पे आईजी साहब पहुँचे थे, ये टोल प्लाजा जो पीछे 9 किलोमीटर दूर है, एग्जैक्टली 9 किलोमीटर, जहाँ पे आपके साथी, आपके भाई, हमारे भाई खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल अच्छे। तो वहाँ से 9 किलोमीटर में 30 मिनट? सर मुझे आपकी कॉल, हमारे असल में कॉल जैसे ही रिसीव हुई है, हम तो 2 मिनट में, मेरे पास 2 मिनट का टाइम है। आपको 2 मिनट पहले कॉल आई? जी मुझे 2 मिनट पहले। आपको कॉल कहाँ से आई है? जी मुझे कॉल ही है कंट्रोल से। कंट्रोल से, वो 112? जी मैं एक मिनट बताता हूँ। जी मैम आप हुक्म करें, आपका ये टायर इनका पंक्चर हुआ था। जी ठीक है, ये खैर हम इनकी इनको रेस्क्यू कर लिया है हमने, लेकिन सवाल तो ये है ना कि इतना बड़ा साने हो जाए। सर हम तो फौरन पहुंचे हैं जैसे ही उनकी कॉल मुझे मौसूल हुई है। हेलो, मुझे अपना फ़ोन दिखाती हैं ये, अगर हम रिकॉर्ड देखें। जी किधर हो आप? अजाज साहब अपना रजिस्टर्ड रीडर। 3:35 पे पहली कॉल हुई है, 3:35 पे, और इस वक्त हो गया 4:03, और कोई मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। ये हमारे भाई यहाँ पे पहुंचे हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम दो से तीन मिनट पहले इनको कॉल की गई कंट्रोल रूम से, और ये यहाँ पे पहुंचे हैं। अलबत्त जिस तरह हमने आपको बताया कि जिस तरीके से पहले हमने आगाह किया था कि आज हम यही चेक करेंगे कि कितनी देर में रिस्पॉन्स किया जाता है, बहरहाल रिस्पॉन्स आपके सामने। ये अपना फ़ोन पकड़िएगा मैडम, देखें ना भाई। मुझे मेरे डीएसपी साहब के रीडर ने कॉल किया, जहाज साहब ने जस्ट 2-3 मिनट पहले मुझे कॉल आई है, मैं फोन कर। देखिए आप भाई हमारे, आप मोहतरम है हमारे भाई हमारे, आप ड्यूटी से कॉल आते, इतनी कॉल्स आ चुकी हैं इनको, इतनी कॉल्स आ चुके हैं, लेकिन 32 मिनट गुजर गए हैं, 32 मिनट गुजर गए, कोई नहीं। आप पहले आदमी है जो यहाँ पे पहुंचे। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जैसे ही मुझे कॉल हुई, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जैसे ही मुझे कॉल रिसीव हुई पहुँचने का, मैं 2 मिनट में रिसीव पहुँचा। आप यानी आपको कॉल लेट पहुंची ना? मेरे पास टाइम नोट है, मैं 2 मिनट में आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गलत बयान नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कॉल गलत पहुंची, मैकेनिज्म चेंज होना चाहिए ना। अब सर बात ये है, मुझे ये नहीं पता कि आपने कॉल किस टाइम पे किया है। मैं तो आपको दिखा सकता हूँ रिकॉर्ड, लेकिन आप भाई हमारे, आपसे बहस नहीं हमारी, बहुत शुक्रिया आपका। ये दोबारा नाम बताइएगा, आपका नाम क्या? तबस्सम हुसैन ASI। तबस्सम हुसैन ASI साहब यहाँ पे हमारे पास पहुँचे हैं और ये 32 मिनट बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। इनकी गुफ्तगु आपने सुनी है, ये बोर्ड है जो उसकी बार बार निशानदेही की गई है कि काला खताई 500 मीटर दूर है, और उनके मुताबिक कि उनको 2 से 3 मिनट पहले कॉल मौसूल हुई थी। वाजे रहे, बार बार वाजे कर देना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ से टोल प्लाजा सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है, वही टोल प्लाजा जहाँ पे IG पंजाब ने आके पेट्रोलिंग का इफ्ताह किया और ये कहा कि यहाँ पे अब पेट्रोलिंग होगी और लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन 32 मिनट हो चुके हैं, आज हम जाएंगे अभी 15 के दफ्तर भी, और वहां भी जाके देखेंगे कि वहां पे क्या सूरत हाल है। अभी हमारे पास भाई पहुंचे हैं पंजाब हाईवे पेट्रोल से। कॉल मिली है, देखिए भाई हमें अभी कॉल मिली है, हम काला से काकू गए थे, उधर से हम आ रहे हैं, हम हमें सिर्फ लोकेशन बता दे, 2 मिनट में आपके पास है। भाई लोकेशन काला खताई का बोर्ड लगा हुआ है 500 मीटर दूर। हमारी बहन यहाँ पे मौजूद थी रेस्क्यू करने के लिए, हम भी पहुँच गए और यहाँ पे एक पंजाब हाईवे पेट्रोल के भाई भी पहुँच गए हैं। 32 मिनट से भी ज्यादा हो गया, बल्कि 4:11 हो गए, 3:36 पे कॉल की थी, आपकी तरफ से कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। भाई हमें अभी कॉल वसूल हुई है उसी वक्त, हमने कॉल अभी। आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं?
अभी लोकेशन बताएं। काला खताई का बोर्ड लगा हुआ है 500 मीटर दूर, वहाँ पे खड़े हैं। लाहौर से सियालकोट की तरफ। इतनी कॉल्स आ रही हैं और अगर ये कॉल्स करने की बजाय यहाँ पे मदद कर दी जाती खातून की तो बेहतर होता। तकरीबन 30 मिनट से जायद के अरसे के 32 मिनट बाद यहाँ पे भाई पहुँचे हैं जो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग से जिनका ताल्लुक है वो पहुँचे हैं, उनके साथ उनका एक साथी पहुँचे हैं। ये दो लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल पर पहुँचे हैं और पीछे 9 किलोमीटर पीछे आपके टोल प्लाज़ा है जहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है कि ये वहाँ से इस रोड पर लोगों को रेस्क्यू करेंगे। 15 पर बार बार कॉल की गई है, बार बार उनको बताया गया, लोकेशन बताई गई है। 130 पर भी कॉल की गई है, जो मोटरवे की हेल्पलाइन है उनको भी बताया गया है, उन्होंने भी अपने हाई अप्स को बताया है। कॉल्स पे कॉल्स मौसूल हुई हैं लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंच सका। एक मरतबा फिर आपको मैं ये बार बार बता रहा हूं कि हमने फेक कॉल नहीं की, हमने आज मुतलका इदारों को पहले से आगाह किया था कि आज किसी भी वक्त लाहौर की किसी भी लोकेशन से आपको कॉल आ सकती है, हेल्पलाइन का हेल्प चाहिए, एमरजेंसी चाहिए, ताकि उसके बाद ये चेक किया जा सके कि कितनी देर में रिस्पॉन्स किया जाता है, कितनी देर में मदद की जाती है। लेकिन ये सब कुछ बताने के बावजूद, सबको आगाह करने के बावजूद, डॉल्फिन को हमने बताया, पुकार सेंटर 15 को हमने बताया कि आज हमें मदद चाहिए होगी और आपका टेस्ट होगा कि आप कितनी देर में रेस्क्यू करते हैं, लेकिन रेस्क्यू नहीं की जा रही। अभी फोर्स हमारे पास पंजाब टूरिस्ट पुलिस की फ़ोर्स यहाँ पर पहुँच चुकी है और इस वक्त वक्त हुआ है 4:13, यानी 3:36 पे कॉल की गई, 4:13 हो चुके हैं, यानी 40 मिनट के करीब का ये अरसा गुजर चुका है जिसके बाद यहाँ पे हमारे पास मुनीर साहब पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, कैसे हैं आप? मुनीर भाई किधर से आए हैं आप? मैं ईस्टर्न टोल प्लाजे पे शुरू किया। ईस्टर्न टोल प्लाजा यहाँ से 9 किलोमीटर है पीछे जी। एग्जैक्टली 4 मेरी ड्यूटी शुरू हुई है। तो मैं आपको टाइम बताता हूँ, मुझे कॉल जो मौसूल हुई है 11:24 की, 4:14 है जी इस वक्त। ये आप देखें कि हमें कॉल्स पे कॉल आई जा रही हैं, हमारे दूसरे नंबर पे बार बार कॉल्स पे कॉल आई जा रही हैं, जिस नंबर से कॉल की गई थी मदद के लिए अब सिर्फ कॉल्स यहाँ पे आ रही हैं। और यहाँ पे 11:24 की कॉल है, ये टाइम देख लें कि क्या टाइम हुआ और कितने टाइम में मैं पहुँचा। 4:09 पे आपको कॉल आई है और 4:13 पे आप पहुँचे, 1 मिनट हो गया आपको पहुँचे, यानी 4 मिनट में आप पहुँच गए। हमने कॉल की 3:36 पे, आपने कहा आपकी शिफ्ट शुरू हुई है 4:00। मैं आपको सलाम पेश करूंगा 4 मिनट में पहुंच के। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो मुझे लेकिन जो मैंने आपको लेकिन मुनीर भाई ये जो मेरी बहन यहाँ पे गाड़ी में बैठी हुई थी इसका टायर पंचर हो गया उस सड़क पे जहाँ पे आपसे चंद रोज पहले एक दरिंदगी हुई है। एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने आपको भी शर्मिंदा किया, मुझे भी शर्मिंदा किया, बतौर मुआशरा में शर्मिंदा किया। तो 9 किलोमीटर पीछे वो टोल प्लाजा जहाँ पे आपकी ड्यूटी है, जहाँ पे आईजी पंजाब साहब ने आके इफ्तिताह किया और वहाँ से सर 40 मिनट। सर जो मुझे टाइम मौसूल हुआ है, मैं अब आपसे बतौर इंसान, बतौर बुजुर्ग, बतौर बाप ये सवाल कर रहा हूँ। मुनीर साहब बतौर बाप ये सवाल कर रहा हूँ कि 40 मिनट वहाँ से यहाँ, ये नहीं कह रहा कि आप नहीं आए, आपसे पहले भी तो ड्यूटी थी ना? जी बिल्कुल थी। तो लेकिन हो सकता है उनको टाइम मौसूल ना, यही उनके पास भी यही मोबाइल था जो मैंने उनसे लिया है। आपने कॉल की थी? मैंने कॉल की थी। क्या नाम है आपका? जी आगा शाहीन। आगा शाहीन साहब कहाँ से आए? जी चौकी लबान वाला से। आपको 15 पे कॉल की? जी जी 15 से मुतलका बताया गया आपके यहाँ पे हैं। कितने बजे कॉल मौसूल हुई आपको? जी एक सेकंड मैं भी बताता हूँ। मैंने जो कॉलर है ना उनसे टाइमिंग लिया था कि 10 हम पहुँच, 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। कितने बजे कॉल की? 3:56 जी आपको कॉल जी मुझे कॉल आई है। और यहाँ से हमारा जो मिनट में पहुँचेंगे जी एग्जैक्टली 20 मिनट में आपको कॉल के बाद आप यहाँ पे जी जी 20 मिनट जी जी। तो उससे पहले के जो 25 मिनट है वो किधर गए? नहीं सर देखें बात सुने, आज ये है कि हमारा जो एरिया है ना जी, वो जो हमारी चौकी अलबान वाला वो थाना फरोज वाला की है, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है। सलाम पेश कर रहा हूँ, आप आ गए, मैं तो सलाम पेश कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बतौर इंसान मुनीर साहब से पूछा, उन्होंने कहा गलत है, बतौर बाप उन्होंने कहा गलत है, ये मुआशरा हम शर्मिंदा हुए ना सर चंद रोज पहले यहाँ पे इसी सड़क पे तमाम लोग एक दूसरे की तरफ देख नहीं सकते, नजर नहीं मिला सकते मुआशरे से, हमारी खवातीन चीख चीख के सड़क चिल्ला रही हैं कि ये मुआशरा के आप में, हम तो मर्द हैं ना, हमारी तरफ इल्ज़ाम लगता है, तो क्या शर्मिंदा आज नहीं हो रहे हम दोबारा?
नहीं खास नहीं देखे मेरी पास मिनट में कुछ नहीं हो सकता मेरी यहाँ पे क्रॉसिंग इतनी ज्यादा है, जंगला कोई नहीं। अभी मैंने देखा मोटरसाइकिल नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं असल में भैया ये बात है ना जी, है बिल्कुल। देखें बात ये है कि हम भी पुलिस वाले जो हैं आपकी तरह ही है ना, मैं तो नहीं कह रहा कि ठीक है। बात ये है कि जैसे देखें उनको भी कॉल मिली, वो भी पहुंच गए, हमें कॉल मिली, हम भी पहुंच गए, हम तो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। लोग देख रहे हैं जी इस प्रोग्राम में, जी जी लोग एतराज भी उठाते हैं पुलिस को, गाली भी देते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि गलत हुआ, क्यों मुनीर साहब आपने कहा बिल्कुल आपने कहा गलत है, आप भी कहें गलत है। भाई देखें मैं छोड़ दे मैकेनिज्म तो हुकाम से बात करने जाना है, जस्ट मेरी बात सुन ले भाई। मैं तभी गलत कहूं कि अगर हम लेट पहुंचे हैं या आप 50 मिनट लेट नहीं भाई, देखें 50 मिनट में नहीं, हम 22 मिनट में मैं आपके पास पहुंचे अपने वक्त से अपनी टाइम से। जब मुझे कॉल मिली है, मैं जब यहां पे कॉल गई है मैं तो वहां से टाइम गिनूंगा ना, इंतजार जब से शुरू किया है तब से टाइम गिनूंगा ना। मैं आपसे यही अर्ज, 22 मिनट में पहुंच गए, आप 10 मिनट में पहुंच जाए। कॉल मिलनी है हमने तभी पहुंचना है उससे। देखे ना मैंने आपको पहले भी कहा ये कॉल पीएस आती है, पीएस से हमें आती है, हमारी ये चौकी है लबान वाला, हमें वहाँ पे कॉल मिली है, हम फौरन करने से 22 मिनट में यहाँ पे पहुंचे जी, हम वहाँ इधर पहुँच गए। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने यहाँ पे बात की जुनैरा, मैं चाहूंगा कि आखिर में आपके मैं कमेंट्स चाहूँ कि एक ऑफिसर पहुँचता है यहाँ पे मदद करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट में, दूसरी फोर्स आ रही है आपको मदद करने के लिए 52 मिनट्स के बाद। तो एक खातून इसी रोड पे रात के अंधेरे में, तो फिर दिन था, दिन को इतनी लेट फोर्स आ रही तो रात को कब आती होगी? ऑब्वियसली क्या फील क्या फीलिंग क्या है? उनके कमेंट सुने कि हमारी जो है अभी शिफ्ट शुरू हो रही है, ये लेम एक्सक्यूजेज। और अभी कुछ दिन पहले ये वाकया हुआ है जब सब पुलिस ने कहा, हुकूमती लोगों ने कहा कि हम लोग एक्टिव हैं, अब यहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है, तो यकीनन मुझ जैसे लोग ये सिक्योर हो चुके थे कि चलो हमें फौरन से हेल्प हो जाएगी, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट हो। आपको पता था इससे पहले 1124 पे कॉल कर? नहीं बिल्कुल नहीं पता, अभी सुना इस हेल्पलाइन, बिल्कुल नहीं। आज ही पता चला कि 130 अब नहीं है और 1120 जो है 1124 भी नहीं है, लेकिन अब जब ये पहुँच रहे हैं 50 मिनट्स लेटर और 24 मिनट्स लेटर, तो मतलब मैकेनिज्म हम नहीं समझ सकते। अगर रात के पहर में मेरी गाड़ी यहाँ खराब होती है तो यकीनन एक तो वो मेरे पे पैनिक, प्लस कॉल्स आप देख सकते हैं इतनी कॉल्स आ रही हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कौन सी कॉल उठानी है, कौन सी अपनी है, कौन सी पराई है, बार बार एक ही सवाल हो रहा है, लोकेशन बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, लोकेशन बताते हैं। बिल्कुल, ये लोकेशंस की भी और कॉल्स इतनी ज्यादा पैनिक क्रिएट करेंगे, मतलब और ज्यादा स्ट्रेस होने लग जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है, और हर कॉल ये करेगी हमें तो अभी पता चला। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। वही बात वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा जब उनसे सवाल किया गया कि पूरी दुनिया में अमेरिका की मिसाल दी जाती है, बरतानिया की मिसाल दी जाती है, यूरोपीय ममालिक की मिसाल दी जाती है, और बार बार कहा जाता है कि वहाँ पे इमरजेंसी हेल्पलाइन एक मौजूद है, 911 पर कॉल करें आपको मदद फराहम कर दी जाती है, 112 पर कॉल करें आपको मदद फराहम कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर अलमिया ये है कि आपको मुतलका हेल्पलाइन पर ही कॉल करनी पड़ती है और बार बार कॉल करनी पड़ती है और फिर आपको मदद पहुँचती है, वो भी ताखीर के साथ। अब इस पे उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि सारी जो हेल्पलाइंस हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम बना दीजिए, यानी एक कॉल की जाए एक नंबर पे और उसके बाद वो 15 पे भी ट्रांसफ़र हो, वो 1124 पे भी ट्रांसफ़र हो, 130 पे भी ट्रांसफ़र हो, लेकिन इस पे हमें जल्दी करने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का ये मुआशरा एक और सानिया मोटरवे का मुतम्मल नहीं हो सकता। आप डॉल्फिन से बात कर रहे हैं? सर डेढ़ घंटा पहले, तीन बल्कि दो घंटे होने वाले होंगे, डेढ़ घंटा हो गया एग्जैक्टली, 3:36 पे कॉल की थी, 3:36 पे जी 3:36 पे कॉल की थी और आपके इदारे को पहले से आगाह किया गया था कि आज हम कॉल करेंगे लाहौर के किसी भी हिस्से से मदद के लिए और आप रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्स नहीं आ सका। असल में ना हमारी सेकंड शिफ्ट है तो सेकंड शिफ्ट आउट होती है 4 के बाद, और जब जिस टाइम कॉल रिसीव होनी होती ना उस टाइम की हमने रिस्पॉन्स करना। आपको कितने बजे कॉल रिसीव हुई है? तकरीबन ये 4:30 के करीब, 4:30 के आपको कॉल रिस्पॉन्स हुई है, 3:30 पे मौके पे पहुंचे हमारी डॉक्टर, उधर मौके पे पहुंचे लोकेशन नहीं सर, नहीं सर नहीं पहुंची सर, सर नहीं पहुंची सर, अभी 4:57 हो गए, यानी आपकी कॉल को भी 27 मिनट हो गए और आपकी डॉल्फिन का कोई स्क्वाड नहीं पहुंचा, आई एम सॉरी सर, कोई नहीं पहुंचा यहाँ पे। अभी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर? अब तो मैं ईस्टर्न टोल प्लाजे पर आ गया हूँ, वापस आ गया, 9 किलोमीटर पीछे आ गया, कोई डॉल्फिन नहीं पहुंची सर। नहीं वो अभी तकरीबन कोई 7-8 मिनट पहले डॉल्फिन, नहीं नहीं सर मैं तो अभी वहाँ से आ रहा हूँ, अभी वहाँ से उसी सड़क पर मौजूद हूँ, बता रहा हूँ आपको। नहीं वो आप आपकी बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप 9 किलोमीटर जो आप बता रहे हैं ना, मैं पीछे आ गया हूँ,
सर ये है कि बहरहाल थैंक यू सर, हमें मदद पहुंच गई थी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डॉल्फिन ही पहुंची, बाकी हमें मदद पहुंच गई थी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन 4:57 पे हमें बिलाखिर डॉल्फिन हेडक्वार्टर से कॉल आई और ये पूछा गया कि आपने 15 पर मदद के लिए कॉल की है। वाजे रहे कि हमने 3:36 पे कॉल की और ये कहा कि हमें मदद चाहिए। और एक और चीज़ वाजे हो करना मैं चाहता हूँ कि हमने डॉल्फिन हुकाम को पहले बताया था कि आज लाहौर में आपको कॉल की जाएगी और ये चेक किया जाएगा कि आप मदद कितनी देर में करते हैं। हमने कॉल की, खातून ने कॉल की, बताया गाड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन 4:57 पर हमें कॉल मौसूल हुई है, यानी 5 बजने से सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट पहले, 1.5 घंटे का अरसे के बाद में कॉल मौसूल हुई है कि आपको किस किस्म की मदद चाहिए। ये है वो ईस्टर्न बाईपास नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो आगे जाके लिंक करता है लाहौर सियालकोट मोटरवे पे। इसी बाईपास पे चंद रोज़ कबल आईजी पंजाब यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पे उन्होंने पेट्रोलिंग का आगाज़ किया और कहा कि अब से इस सड़क पे हमारी माएँ बहनें महफूज रहेंगी, इस माशरे इस शहर में रहने वाले लोग महफूज रहेंगे, इस पाकिस्तान में रहने वाले लोग महफूज रहेंगे। एक और बड़ी अहम चीज़ है, ये रात का पहर नहीं है, जो सीसीपीओ लाहौर ने बयान दिया था कि आपको रात को नहीं जाना चाहिए था, तो ये हमने इस चीज का फैसला किया कि इस मर्तबा दिन के वक्त आपसे मदद तलब करके देखेंगे कि आप कितनी मदद करते हैं। 15 पे कॉल की गई, 130 पे कॉल की गई और बार बार कहा गया कि हमें मदद की जाए। उसके बाद हमें 1124 के DSP की कॉल आई कि हम आपकी मदद करने के लिए आएंगे। हमें 1.5 घंटे बाद तक ये कॉल्स मौसूल हो रही हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, आप किधर हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इस ईस्टर्न बाईपास से एग्जैक्टली 9 किलोमीटर दूर हम मौजूद थे और मदद के तलबगार थे कि हमें हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे आके मदद दें और हमें रेस्क्यू करें, लेकिन हमें रेस्क्यू नहीं किया गया। और जो हमारे पास पहली टीम पहुंची वो तकरीबन 52 मिनट्स के बाद पहुंची, 1 घंटा लग गया हमें मदद करने के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे पुलिस का नाका लगाया हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अतराफ पे पंजाब पुलिस मौजूद नहीं है, पंजाब पुलिस यहाँ पे मौजूद है, नाका लगा हुआ है, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, नफरी यहाँ पर खड़ी हुई है और इसके बावजूद हमें मदद करने के लिए कोई शख्स वक्त पर नहीं आया। और एक और अहम चीज़ ये है कि वो जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ईस्टर्न हाईवे के आगे, वहाँ पे जो पेट्रोलिंग फोर्स है वह उसके जवान भी मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं और उनकी भी ड्यूटी है कि वो यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे। तो यानी 9 किलोमीटर के फासले पर ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमें मदद करने के लिए नहीं आए। आज एक मरतबा फिर हम ये कह रहे हैं कि चंद रोज़ पहले इसी सड़क पर पूरी इंसानियत शर्मिंदा हुई, हम तमाम पाकिस्तानी शर्मिंदा हुए और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जब हम मदद तलब करेंगे तो हमें जल्दी रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन हमें रेस्क्यू नहीं किया गया। अब चलते हैं 15 पुकार सेंटर सेफ सिटी अथॉरिटी में और वहाँ जाके देखते हैं कि वो जो मैकेनिज्म है, एक कॉल दूसरे को ट्रांसफ़र होती है, फिर तीसरे को ट्रांसफ़र होती है और फिर इस तमाम देर दुरानिए में जब तक खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है तब मदद के लिए अब तक कोई पहुँचता है। आइए हमारे साथ। तजी प्रोग्राम में एक मतलब फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बात कर रहे हैं, अफसोसनाक वाकया पेश आया, फिर हमने आज आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने एक मॉक कॉल की और मदद लेने की कोशिश की, हमने 15 पे कॉल की। जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि हम 15 ऑफिस जाएंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं सेफ सिटी में 15 कंट्रोल रूम में, कामरान खान साहब CEO सेफ सिटी अथॉरिटी में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज हमने एक मॉक कॉल की और उस मॉक कॉल का पहले से हमने आगाह किया था, बताया था कि आज हम एक ऐसी कॉल करेंगे और हम चाहें देखेंगे कितनी देर में रिस्पॉन्ड होता है। और हम जब 15 पे कॉल की, ये वो रोड है जहाँ पे एक चंद रोज़ पहले वो अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसको ईस्टर्न बाईपास के बाद लिंक रोड कहा जाता है, लाहौर सियालकोट मोटरवे का। 15 पे सर हमने कॉल की 3:35 पे और उसके बाद हमें 15 पे कॉल करने के बाद बताया गया कि आप 130 पे रابطہ करें, 130 पे रابطہ किया, उन्होंने कहा 15 पे रابطہ करें। इस पूरे दौरानिए के बाद हमें जो रिस्पॉन्स आया है वो 52 मिनट्स बाद आया है। कामरान साहब जी देखें, हमारे पास 15 पे हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जैसे ही हमें कोई इमरजेंसी कॉल आती है उसको हम इमिजिएटली जो भी नियरेस्ट वहाँ पे रिस्पॉन्डर है लाहौर पुलिस में, जो कि हमारी जो जुरिस्डिक्शन लाहौर को हम यहाँ पे देख रहे हैं, 15 जहाँ से हम खड़े हुए हैं,
जो भी हमारे पास इमीडिएट नियरेस्ट रिस्पॉन्डर अवेलेबल है उसको पास ऑन करें। 3:35 पे जिस तरह आपने कॉल बताया, 3:38 पे वो कॉल थाना बागबानपुरा के पास ऑन हो गई है। लेकिन वो जब वहाँ पे देखा गया, वो जुरिस्डिक्शन लाहौर की नहीं थी, वो लाहौर से जो जहाँ पे आपने पॉइंट बताया वो इट फॉल्स इनटू शेखुपुरा। तो इसीलिए गाइड किया गया कि इसको एक तो मोटरवे पुलिस को भी बता दें, हमारे जो यहाँ से ऑपरेटर्स थे ऑफिसर्स थे उन्होंने साथ ही उसको पुकार, चूंकि डील करता है लाहौर के अलावा जी, तो लाहौर पे उन्होंने पास ऑन कर दिए फौरी तौर पे रिस्पांस देने के लिए कि शेखुपुरा से वो रिस्पांस उस तरह करें, और साथ ही गाइड करके खुद भी हमने 130 पे मोटरवे भी कर दिया है। क्योंकि इस वाक्य के बाद इस पर्टिकुलर बेल्ट को एक कोऑर्डिनेशन हुआ है हमारा PHP के साथ, चूँकि PHP उसको देख रही है और मोटरवे पुलिस भी देख रही है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन यही हुआ है कि हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे अगर वो लाहौर का एरिया बनता है, बट चूंकि उसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व है उस पूरे पोर्शन के अंदर। इसमें मोटरवे पुलिस ने तो कहा कि हम देख ही नहीं रहे इस एरिया को, उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा कि आप 15 पे ही रब्ता करें, हम नहीं देख रहे इसको। हमें जो पहला रिस्पॉन्ड आया वो पंजाब हाईवे पेट्रोल की जानिब से आया। अब एक सवाल ये उठता है, जब हाईवे पेट्रोल का ऑफिसर हमारे पास आया और उसने कहा कि आपने गलत इमरजेंसी पे कॉल की है, आपको 1124 पे कॉल करनी चाहिए थी। जी, तय यही हुआ है कि हम एक तो देखें लाहौर पुलिस को, हमारे रिस्पॉन्डर कॉल जो ऑफिसर थे जिसने कॉल टेक किया उसने लाहौर पुलिस को बता दिया, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, और जैसे अब सामने आया है कि जुरिसडिक्शन उसी ईस्टर्न बाईपास पे लाहौर खत्म होकर शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट की जुरिसडिक्शन शुरू हो जाती है। देखिए ना सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे नहीं लिखा कि इसकी हदूद ख़त्म होगी, इसकी हदूद का आगाज़ हो गया। नेचुरली जब आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको लगता है ये मोटरवे शुरू हो गई है, आप 130 पे कॉल करते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे वो मोटरवे हो। उसके बाद फर्स्ट रिस्पॉन्ड आपके जहन में आता है जो हमने इस आने के बाद देखा कि 15 पर कॉल करनी चाहिए थी, हमने CCPO साहब का बयान भी सुना कि 15 पर कॉल नहीं की, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कॉल की, तो आज हमारी कोलीग हमारी बहन ने 15 पर कॉल की, आपने पास ऑन कर दी, आगे से पास ऑन 1124 पर भी होगी। इस पूरे निज़ाम में जिस आपने कहा 3 मिनट में कॉल आगे चली गई है, सर 52 मिनट लग गए रिस्पांस के लिए। देखें अब वो डूइंग योर वर्क, लेकिन जो आगे डिस्पैच कर रहे हैं आप, मुझे जरा मैकेनिज्म समझा दे कि आगे कैसे जाती है। नहीं, कॉल तो ऐसी जाती है कि जिसको हमने पास की, लाहौर के जो ऑफिसर को हमने पास की, उसने अपनी बाउंड्री तक देखा कि वहां पे इसको चीज नहीं मिली, ही रियलाइज कि ये उसके एरिया में नहीं है, वो इसीलिए 1124 को पास की गई कि PHP के पास चूंकि वो पूरी बेल्ट है कि वो उसको आगे रिस्पॉन्ड करें देखें, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन कोई हमारे पास नहीं थी, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के एग्जैक्टली किस जगह पे आप खड़े हुए हैं। काला खताई रोड पे इसमें बाईपास काफी आगे तक जाता है, तो उसको पास ऑन हमारे हद तक तो जो लाहौर की जुरिसडिक्शन थी वो हमने रोल पूरा प्ले कर दिया। बट यू आर राइट कि अभी चूंकि इस पर्टिकुलर, जिस तरह मैंने कहा कि मुझे DSP की कॉल आई, हमारी खातून को DSP की कॉल आई 1124 से, और वो DSP साहब ने बताया कि मैं 1124 हेल्पलाइन से बात कर रहा हूँ, मैं DSP हूँ, आपकी मदद अभी हो जाएगी, तब भी मदद नहीं हो सकी, मतलब हमने तो उनको कॉल नहीं की, आपके इदारे की जानिब से कॉल गई उनको, 1124 को आपके इदारे की जानिब से बताया गया, तो उसको भी इतना टाइम लग गया कि हमारे तक पहुंचे। जी, अब ये वो बेहतर बता सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या थी, अवेलेबिलिटी क्या थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि कोऑर्डिनेशन ये हुआ है हमारा कि इस रोड पे चूंकि ये जुरिसडिक्शन का भी इशू आ रहा है कि लाहौर पुलिस ने भी रिस्पॉन्ड करना है, जहां तक लाहौर का एरिया अल्टीमेटली लाहौर के किसी पुलिस स्टेशन के अंदर ही, जो गुजरपुरा पुलिस स्टेशन है या बागबानपुरा का कुछ एरिया लगता है कि उसके अंदर ही अगर कोई ऐसे इंसिडेंट होता है तो वहां पे रिपोर्ट होगा और एक्शन वही लेंगे। जैसे ही लाहौर पुलिस ने बताया, हमने इसीलिए एहतियातन 1124 को भी बता दिया कि अगर कोई हमारा एरिया नहीं बनता या अल्टीमेटली उनकी पेट्रोलिंग व्हीकल नजदीक है तो वो रिस्पॉन्ड करे। अब वो व्हीकल वहां पे कहां पे थी ये वो बेहतर बता। मुझे मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जब से वो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, वो हमारी बहन, इस मुआशरे की माँ, 3 बच्चों की माँ, जिसके साथ दरिंदगी की गई, आप मैं बतौर मर्द शर्मिंदा हो गए, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते कि हम मुआशरा इस तरह चला गया। आज उसी को चेक करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया और डॉल्फिन को भी बताया, डॉल्फिन के अल्लाह हुकाम को भी बताया कि आज हम लाहौर में ऐसी कॉल करेंगे, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। 1.5 घंटे बाद में डॉल्फिन का फोन आता है कि आप किधर हैं, 1.5 घंटे बाद। सर 1.5 घंटे बाद ही, देखें मैंने आपको बताया मैकेनिज्म ये है कि जो नियरेस्ट उसको अवेलेबल होता है, क्योंकि एक वक्त में कोई एक कॉल नहीं आ रही है, प्रॉबली उसको हम चेक करना पड़ेगा। इस वक्त सर टॉक ऑफ द टाउन ये है कि अमेरिका में 911 पे कॉल की जाती है, सब रिस्पॉन्ड कर देते हैं, बरतानिया में 1122 पे कॉल कर दी जाती है, सब रिस्पॉन्ड कर देते हैं, पूरे यूरोपियन ममालिक में 1122, भारत में नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन बन चुकी है 1122, हमारे ऐसा क्यों नहीं? नहीं, हमारे यहाँ है 15 हैं, डेडिकेटेड रिस्पॉन्डर्स हैं, ये डॉल्फिन है, पीरू है, पुलिस स्टेशन है, ये तीनों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लाहौर में तकरीबन 10,000 कॉल्स डेली बेसिस पे आ रही हैं और हम तकरीबन आपको 80% फेक कॉल्स भी आती हैं। जी बिल्कुल आती हैं, लेकिन जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या जिसमें कोई कंसल्टेशन दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1.7 कॉल्स पर मिनट हैं, जिसमें हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं, विच इज़ वेरी रेयर कि आप 1.8, 0.9 कॉल्स हैं जिस
पर मिनट ऐसी रिस्पांस है जो हम दे रहे हैं फिजिकली, जिसमें हमारी डॉल्फिन थाना या पीरू की गाड़ी जा रही है और मौके पे पहुंच के कोई सर्विस रिक्वायर्ड है, कोई एक्सीडेंट है, क्राइम है, जो भी सिचुएशन उन्होंने कंप्लेंट की है उसको वहां जाकर फिजिकली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे मुझे ये सर समझा दें कि आपने यहाँ से अपना काम कर दिया, कॉल आई और 130 पे जब कॉल की गई तो वहाँ पे वेटिंग टाइम लगा हमें, हम हमारी कॉल क्यू में थी, तीसरा नंबर था हमारा और तकरीबन 1.5 मिनट बाद हमारी कॉल कनेक्ट हुई ऑपरेटर से। 15 पे कॉल की, हमारी कॉल क्यू में नहीं थी, फ़ौरन कनेक्ट होगी आपकी ऑपरेटर से, खातून हमारी बहन ऑपरेटर थी जिन्होंने कॉल अटेंड की और उन्होंने जिस तरह आपने कहा कि 3 मिनट के अंदर आगे डिस्पैच कर दी, यानी आपका काम मुकम्मल हो गया। फिर सर सवाल वही है कि जब ये सब इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, एक हेल्पलाइन नहीं होगी, तो कैसे पता लगेगा रिस्पांस जल्दी क्यों नहीं हुआ? मैं सिर्फ ये मासूमाना सवाल लाहौर की तरफ, जी मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर में तो इंटीग्रेटेड है और एक ही है सिर्फ, 15 के जरिए ही आपने रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि वो जुरिसडिक्शन लाहौर के अंदर होते हुए वो पोर्शन है जो लाहौर पुलिस भी देख रही है, गुजरपुरा थाना का एरिया बनता है और उसके आगे वो 1124 ये पता लग सकता है कि यहाँ से 1124 पे कितने बजे कॉल हुई? जी आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डिस्प्लेड है, आप देखेंगे 3:35 पे आपकी कॉल आ रही है और 3:38 के ऊपर वो हो गई है और साथ ही वो मोटरवे को 130 को 1124 को साथ ही उनको उन्होंने पास भी कर दी और जिन लोगों को पास हुई है उनका मोबाइल नंबर भी है। अब वो तो देखने वाली बात है कि वो किधर थे, उस वक्त क्या था और चूंकि एग्जैक्ट इस कॉल में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है, 3 मिनट में आपने कॉल थाने को भी मुतलका पास ऑन की, आपने 130 को भी पास ऑन की और आपने 1124 को भी पास की 3 मिनट के अंदर। जी जी, अपना काम आपने 3 मिनट में पूरा कर दिया। अब वो उनकी पोजीशन है, हमें नहीं पता कि उस वक्त कहाँ पे है, हमने तो एक कम्युनिकेशन एक लिंक है जिसके जरिए उनको पास ऑन कर दिया है। अब ये उधर से देखना पड़ेगा कि उनकी पोजीशन किधर थी और वहां से उनको वहां पहुंचने में क्यों देर लगी, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, नाजिम हसन मौजूद थे और आपने गुफ्तगू उनकी सुनी है। ये 15 सेंटर है जहां पे कॉल्स आ रही होती हैं, हमने भी अपनी पहली कॉल यहां पे ही की और उसके बाद जिस तरह ये इन्होंने बताया है हमें और डाटा शो कर रहा है कि 3 मिनट के अंदर कॉल लोकल थाने को ट्रांसफर हुई, 130 को ट्रांसफर हुई और उसके बाद 1124 जो हेल्पलाइन जिसका हमें वहाँ पर जाकर इंकशाफ हुआ कि इस हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और वहाँ पे जो रिस्पॉन्डर्स थे उन्होंने कहा कि आपने 1124 पे कॉल करनी चाहिए थी, 15 पे कॉल क्यों की आपने, 130 पे कॉल क्यों की आपने, उनको 3 मिनट के अंदर कॉल डिस्पैच हो चुकी थी और उसके बाद जो रिस्पॉन्स टाइम था वो आपने खुद देखा और सारी सिचुएशन आपके सामने। आज हमने फैसला किया था और इस उम्मीद के साथ उस एरिया में गए थे कि अब हालात बेहतर होंगे, दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो और दिन की रोशनी में गए। पहले रात की रोशनी का आपने बयान भी सुना था, CCP लाहौर साहब ने भी ये कहा था कि रात के वक्त नहीं जाना चाहिए, तो हमने कहा कि वो कहते हैं रात को ट्रैवल ना करें तो दिन को ट्रैवल करके देखते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा डिले था। आज के प्रोग्राम में दीजिएगा। अल्लाह के बाद